गोटे ग्रुप थाए फर्टाइल एज ग्रुप। फर्टाइल एज ग्रुप माने जब आपणकर फर्टिलिटी सबुठो अधिक थिबो सेठा होउछि बिटवीन 28 to 30 इयर्स। आफ्टर 30 इयर्स टिके टिके फर्टिलिटी जहाँ इश्यू थाए से आसिया आरंभ हो जाए, टिके टिके फर्टिलिटी कम ही जाए। एंड आफ्टर 35 मोस्ट ऑफन किसी ना किसी प्रॉब्लम्स आसी थाए। और जदि भी फर्टिलिटी इश्यू नहीं ता बदला माने केबे केबे जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एटा सबू एल्डर एज विमेन को प्रेजेंट करे। एक्चुअली प्रेगनेंसी रो टिके तैयारी 2-3 मास आगे ही कर ले भलो। आमर इंडियन जहाँ वेमेन अच्छे फोलिक एसिड डिफिशियंसी बहुत बेसी थाए कहीं आमर डाएट ही सेमती वुमेन प्लान करुच्छी तो 2-3 मासे आगे जब से फोलिक एसिड टैबलेट आरंभ करदेव तो तार जहाँ भी एग फॉर्मेशन हो बो कि जहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो बो से तार क्वालिटी भल थी मानने छुआ हेल्दी तैयारी हो। टोटल 9 मंथ्स को 3 पार्ट्स डिवाइड करती फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आमर आसे अबाउट अप टू ऑलमोस्ट 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से टू आमर जस्ट छोटो एम्ब्रियो रे चारटा सेल रे गोटे छोटा छुआ परीक्षा विथ हेड लेग्स पूरा बॉडी एमती तैयारी हुए। आउ 3 मंथ्स पर आम गोटे स्कैनिंग करती ताको कह जाए एंटी स्कैनिंग और लेवल 1 स्कैनिंग माने कि तार छुआर स्पाइनल कॉर्ड हला कि हार्ट हला कि ब्रेन हला तार डेवलपमेंट ठीक हो कि नहीं सेटा देखापी। तो 3 मंथ्स रो जहाँ एंटी स्कैनिंग था तारो गोटे एग्जाक्ट टाइमिंग था तारो 11 वीक्स हो सारा पर ही हमें स्टार्ट करेंगे और बिफोर 14 वीक्स हो जाए तो विदिन दैट पीरियड हमको करिया को पड़े। तापर जहाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर है से गोटे आसे एनोमली स्कैन 20 वीक्स 22 वीक्स पाखापाखि मैंने 5th मंथ पाखापाखि गोटे एनोमली स्कैन से 5th मंथ रे कौन हुए पुआ जो हमारो छुआ रो जितने भी ऑर्गन्स था ऑलमोस्ट सबू रो पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके से स्कैनिंग विथ अ स्पेशलिस्ट कर ले हमको जाना पड़ जाए छुआ रो किसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं ऑर्गन किसी मिसिंग तो नहीं किसी अंडर डेवलप तो नहीं एटा हेले वुमेन कैन डिसाइड कि जदि भी हमें जदि छुआ को किसी बेसी मेजर एनोमली अच्छी तो से बेचारा छुआ आफ्टर डेलीवरी ताको बहुत सारा सर्जरीज लगी पारे कि सर्वाइव करी पारिबोनी तो से टाइम भितरे से डिसाइड करी पारिबो शी वांट्स टू कंटिन्यू विद दैट प्रेगनेंसी और नॉट से कंटिन्यू करिया को चाहू छंती कि नहीं सेति पई सेटा नियाती दरकार। तापरे थर्ड ट्राइमेस्टर रे आमे जनरली गोटे ग्रोथ स्कैन करंती। ग्रोथ स्कैन माने कि अमर जा 7-8 मंथ हो जाए ता अनुसार छुआ रो वेट भलो अच्छे कि नहीं तार फ्लूइड लेवल भलो अच्छे कि नहीं जमती डेवलपमेंट हवा कथा सेमती हो कि नहीं सेटा सब सब आम करती। तो दिस 3-4 आमर जहाँ अल्ट्रासाउंड थाए से निहाती दरकार। तापर आमर डायट्री जहाँ प्रिकॉशंस अच्छे जहाँ भी तंकर सोसाइटी अनुसार तंकर कल्चर अनुसार जहाँ भी फूड अच्छी तो हाई प्रोटीन डाएट वेजिटेबल्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जहाँ आम कहती शागो और जहाँ आम फ्रूट्स थाए अलमोस्ट एवरी फ्रूट एक्सेप्ट फ्यू फ्रूट्स सबु से मने कंज्यूम करी परिबे सेटा सबु हमें जनरली आफ्टर प्रेगनेंसी कन्फर्म है साला परे हमें काउंसलिंग दियंती कि कौन कौन आपण खाई परिबे कौन कौन प्रिकॉशंस आपण नेबे किंतु जहाँ भी हो गोटे न्यूट्रिशियस मील डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स माने कि छोटो छोटो करी कि दिनों को 5-6 थर से मने खाइबे एमती डाइटरी प्रिकॉशंस। तापर फर्स्ट 3 मंथ्स रे फोलिक एसिड निहायती दरकार। फोलिक एसिड 3 मंथ्स पर भी दरकार किंतु तारो जनरली आयरन संगे आम कॉम्बिनेशन करके दिखती आफ्टर 3 मंथ्स आयरन और कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए तो आयरन डिफिशियंसी पे आम आयरन सप्लीमेंट्स दिखती तासंगे आम फोलिक एसिड मिक्स करके टैबलेट आम दिखती से जदि खाइले आमर पोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने रिक्वायरमेंट छुआ को दरकार और डेलीवरी पर जहाँ ब्लीडिंग हो जाए कॉम्पनसेट करने दरकार से सब कवर हो जाए। आउ कैल्शियम गोटे छुआ तैयारी होची फुल तारो जहाँ भी बोन मास अच्छे माँ रु ही जाऊँगी से कैल्शियम दरकार ड्यूरिंग डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डेलीवरी पर भी ऑलमोस्ट स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग होटा दरकार। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जहाँ थाए टिके जस्ट अर्ली प्रेगनेंसी थाए मोस्ट ऑफन बहुत झील मन को मैंने वेमेन को जाना भी पड़े नहीं कि से प्रेगनेंट अच्छा तो सेठो हमारो नॉर्मल डेली जहाँ एक्टिविटीज बिफोर प्रेगनेंसी करते मोस्ट ऑफन 90% सब जिनस कर एक्सेप्ट एनिथिंग विच इज जेटा हमारो लोअर एब्डोमेन हैला कि जहाँ इंटीमेट पार्ट हैला ता उपरे बेसी प्रेशर पड़ुछि सेटा टिके अवॉइड करिया कथा जर्की मूवमेंट लो प्रेशर मूवमेंट सेटा सब अवॉइड करिया कथा।
জেনারেলি ফ্লাইটস আজিকাল যা ফ্লাইটস সব অছি টিকে সেফ অছি কিন্তু অভয়েড কলে টিকে ভালো আফটার 3 মান্থস ইজিলি সেমানে ফ্লাই আই মিন প্লেন প্লেন রে ট্রাভেল করি পারিবে সেটা আরামসে করি পারিবে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার রে বি আমার ডায়েটরি ও নর্মাল ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ছাড়ি কি কিছু বি এক্সট্রা প্রিকশনস নেবার কিছু নাই রেস্ট টিকে ইম্পর্টেন্ট কাহিঁকি অবভিয়সলি গোটে ছুয়া তৈরি হচ্ছে এত সারা এনার্জি খালি সে ছুয়া পাই যাচ্ছি তো বহুত টায়ার্ডনেস আসি যায় উইকনেস আসি যায় সেপাই আমি সজেস্ট করতে কি দুইপরে টিকে আধা ঘন্টা কাড়ি কি গোটে ঘন্টা কাড়ি টিকে রেস্ট নিয়ন্তু ওয়ার্কিং ওমেন পাই স্পেশালি কি হাউস ওয়াইফস যা বহুত কাম করছেন ঘরের টিকে হাফ এন আওয়ার কি ওয়ান আওয়ার কাড়ি কি টিকে আফটারনুন রেস্ট করলে ভালো হুয়ে আউ থার্ড ট্রাইমেস্টার কন হুয়ে কি অলমোস্ট মানে পুরা ছুয়া তৈরি হয়ে যাই ওয়েট বহুত বড়ি যাই তো আমি কহতি কি অভয়েড করবে টু হুইলর ট্রাভেল করা কিন্তু চান্সেস অফ ইমব্যালেন্স অ্যান্ড আক্সিডেন্টস আর মোর সেটা টিকি অভয়েড করা কহতি আহার জিনিস খাওয়া অভয়েড করা কহতি কিন্তু গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস মানে কি লুজ মোশন হয়ে গলা কি বান্তি হয়ে গলা তো ডিহাইড্রেশন আর ডিহাইড্রেশন হয়ে কি কেতে থর প্রিটার্ম লেবর এটা সব বি চান্সেস বড়ি যায় এটা একচুয়ালি ভারি মিসকনসেপশন কি এতে বি কিছু ডিফরেন্স নথায় নর্মাল হলে কি সিজেরিয়ান হলে কিন্তু হ্যাঁ কহবি কি নর্মাল ডেলিভারি পাই ডরিয়ার কিছু নাই মোস্ট অফন পেইন পাই বহুত ডরি যান্তি কারণ কি অফকোর্স ইট ইজ আ ভেরি পেইনফুল প্রসেস বহুত পেইন থাকে আর যে ফার্স্ট টাইম ডেলিভারি পাই অলমোস্ট 18 আওয়ার্স বি কেবে কেবে লাগি যায় যদি লেডি ইজ উইলিং যদি ছুয়ার কিছু অসুবিধা নাই কি মার কিছু রিস্ক নাই আর নর্মাল পাই চাহুছেন খালি পেইন পাই ডরুছেন তো পেইন পাই আমাকু পেইনলেস ডেলিভারি পাই আমার এটা এপিডিউরাল অ্যানেস্থেসিয়া অ্যাভেলেবল অছি তারপরে যদি সিজেরিয়ান বি হল তো সিজেরিয়ান মোস্ট অফন এতে বি কিছু ইমিউনিটি নাই ইমিউনিটির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার ফ্যাক্টর হচ্ছে মদরস মিল্ক যদি আমি এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং করুছি মানে মদর খালি তার নিজের ক্ষীর দেউছি আর পুরা মিক্সড ক্ষীর মিক্সড মানে বাহার ক্ষীর বিলকুল পুরা অভয়েড করুছি ইমিউনিটি পুরা স্ট্রং রহব এতে বি কিছু ডিফরেন্স নথায় এতে বি মানে ইট ইজ হার্ডলি নোটিসেবল কিয়ে ছুয়া সিজেরিয়ান রয়েছে কি ছুয়া নর্মাল রয়েছে কিছু মেন্টালি হল ফিজিক্যালি হল ইমিউনোলোজিক্যালি হল কিছু ডিফরেন্স নথায়।